गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 7.3, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे परम्यूटेशन से हमें शो किया है व्हाट इज़ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में फॉर्मूला ये होता है कि एन पी आर, दैट मीन्स चूजिंग एंड अरेंजिंग, या अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल वो हम देख चुके हैं। तो जहाँ पे भी अरेंजमेंट की बात आएगी वहाँ पे हम परम्यूटेशन देखेंगे। एन पी आर को लिखने का दूसरा तरीका ये है, पी ऑफ एन कॉमा आर। तो बेसिकली दे बोथ मीन द सेम थिंग। तो क्वेश्चन नंबर वन देख लिया। अच्छा, एन का वैल्यू कभी आर से बड़ा नहीं हो सकता, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो फर्स्ट इज पी 4.3, दैट इज इक्वल टू 4p3। तो 4p3 का मतलब क्या हुआ, 4 × 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 24। तो ये आया कैसे, ये भी एक बार बता दूं आपको। 4p3 को क्या हम ये लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये क्या बच गया, ये तो 1 का फैक्टोरियल आ गया, तो बच गया 4 × 3 × 2। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे शॉर्ट वे में। तो एक और तरीका देखने का कि अगर 4p3 लिखा हुआ है तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे और तीन टर्म्स लिखेंगे। सो 4, 3, 2 मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया। सिमिलरली 65p2 का मतलब विल बी राइटिंग टू टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम 65 × 64 एंड मल्टीप्लाइंग। तो ये आ गया 4160। सिमिलरली 7p5, इट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 7 राइट 5 टर्म्स एंड मल्टीप्लाई, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 2520। ये इसलिए बताया क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला याद रखना आपको थोड़ा कंबरसम लगेगा। हाँ, याद तो करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी से सॉल्व होंगे, बट यू कैन टेक इट एज अ शॉर्ट वे। 10p3, इट इज़ दैट सिंपल कि आप स्टार्ट करिए 10 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 9 × 8, 3 टर्म्स, दैट इज इक्वल टू 720। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 × 9p2। सो वट इज 10p3, इट इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 9p3। सो वट इज 9p3, फैक्टोरियल 9 अपॉन 6 का फैक्टोरियल, दैट इज 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 × 9p2, 9p2 मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7, 7 कहाँ से आया, 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल आया। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो इसे भी हमने 7 बना लिया, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइड बाय 7, तो डिनोमिनेटर बन गया 7 फैक्टोरियल। अब हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, फैक्टोरियल 9 तो कॉमन आ गया, 7 + 3 = 10, तो ये बन गया हमारे पास राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड किया है, इट इज़ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, राइट। तो इट इज़ फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड इट इज़ सिमिलर टू 10 × 9 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कितना हुआ है, तो 10 फैक्टोरियल के बराबर हो गया। वी कैन राइट इट एज 10 फैक्टोरियल। और ये टर्म किसके इक्वल है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, एन पी एन इज इक्वल टू ट्वाइस एन पी एन माइनस 2। तो इसे देख लेते हैं। सो एन पी एन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एन पी एन माइनस 2। तो राइट हैंड साइड देख लिया, ट्वाइस इंटू एन पी 2 का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स ट्वाइस इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन पी एन। तो एन पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल तो 1 होता है मालूम है, सो दिस बिकम्स एन फैक्टोरियल ओनली। तो ये हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। कमिंग टू थर्ड पार्ट, कमिंग टू पार्ट 3, एन पी एन इज इक्वल टू एन पी एन माइनस 1, इसे हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, एन पी एन तो एन फैक्टोरियल होता है, दिस वी नो। अब राइट हैंड साइड क्या हुआ, एन पी एन माइनस 1, तो इट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n से n कैंसिल हुआ, नीचे बच गया 1, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सो LHS
इज इक्वल टू आर एच एस हैंस प्रूव्ड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ एन प्लस वन पी थ्री इज इक्वल टू एन पी फोर. तो हमें एन के लिए सॉल्व करना है, तो ठीक है, एन प्लस वन पी थ्री, इसका मीनिंग क्या हुआ, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन पी फोर का मीनिंग एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर का फैक्टोरियल. अब ये नीचे तो आ गया हमारे पास एन प्लस वन माइनस टू, दैट मीन्स एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और ऊपर आ गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल. तो बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, दोनों तरफ इधर भी हम एन का फोर फैक्टोरियल बनाना चाहेंगे. तो एन माइनस टू का फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर का फैक्टोरियल, राइट. और ऊपर ये एन फैक्टोरियल है, तो हमने जो एन प्लस वन का फैक्टोरियल है इसे भी हमने ऐसे ब्रेक कर दिया एन प्लस वन इंटू एन का फैक्टोरियल, सो दैट द टर्म्स कैन कैंसिल. तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, एन माइनस फोर फैक्टोरियल से एन माइनस फोर फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. तो हमारे पास और हमने क्या किया, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो हमारे पास क्या बच गया, एन प्लस वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स, या एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. फैक्टर्स कर लिए मिडिल टर्म के, एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस एन प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो. सो एन का वैल्यू क्या आ गया, वन, और एन का वैल्यू आ गया फाइव. अच्छा, एन का वैल्यू वन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एन का वैल्यू वन होगा ना तो इसका मीनिंग तो हो जाएगा वन पी फोर. बट वी कैन नॉट चूज एंड अरेंज फोर थिंग्स आउट ऑफ वन थिंग, तो ये तो हमने डिस्कार्ड कर दिया. तो हमारे पास क्या बचा, एन इज इक्वल टू फाइव. सो वी कैन टेक एन इज इक्वल टू फाइव, दिस इज द रिजल्ट. कमिंग टू सेकेंड पार्ट, इट सेज फाइव इंटू फोर पी एन इज इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव पी एन माइनस वन. तो फाइव इंटू, फिर से ब्रेक कर लिया फैक्टोरियल, फोर अपॉन फोर माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस एन माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड दिस गिव्स सिक्स माइनस एन का फैक्टोरियल. अब नीचे डिनोमीटर तो सेम है नहीं, तो डिनोमीटर को हम सेम कर लेते हैं. कैसे करेंगे, सिक्स माइनस एन के फैक्टोरियल को हमने थोड़ा और ब्रेक किया, सिक्स माइनस एन इंटू फाइव माइनस एन इंटू फोर माइनस एन का फैक्टोरियल. अब ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं. न्यूमिनेटर में देख लिया, न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या था, यहाँ पे फोर फैक्टोरियल था, तो यहाँ पे से लिख लिया फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल. तो न्यूमिनेटर में कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई, तो वी आर लेफ्ट विथ सिक्स ओवर हेयर. तो इधर हमने अभी क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस एन इंटू फाइव माइनस एन. अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एन स्क्वायर माइनस इलेवन एन प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो, और जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए एन इज इक्वल टू थ्री एंड एन इज इक्वल टू एट. तो एन कैन नॉट बी एट, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी नीचे, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी या कम होगी. सो एन कैन नॉट बी एट, तो एन को तो डिस्कार्ड कर दिया, एट को, एन इज इक्वल टू थ्री ये हो सकता है. दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट देख लिया, ये कह रहा है एन माइनस वन पी थ्री इज टू एन प्लस वन पी थ्री इज इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व, रेशियो दिया हुआ है. तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं. तो ये लिखा हुआ है एन माइनस वन का एन माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस टू का फैक्टोरियल. तो जब ये टर्म्स इधर जाएंगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये टर्म्स अब ऐसे आ गए हमारे पास, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया. अब इसमें कोई टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं क्या, यस वी कैन. कैसे करेंगे, तो एन माइनस वन का जो फैक्टोरियल है, एन माइनस टू का फैक्टोरियल है, पहले तो हमने इसे क्या किया, एन माइनस फोर तक लेके आ गए. कैसे, एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर का फैक्टोरियल, राइट. अब जो ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल है इसे ही ब्रेक कर दिया, कैसे, एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल. ब्रेक करने की जरूरत क्यों पड़ी, सो दैट द टर्म्स कैन कैंसिल. तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हुआ, एन माइनस फोर का फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हुआ. अब कुछ टर्म्स बच गई हमारे पास, तो अगेन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को लेफ्ट और साइड लेके, लेफ्ट और राइट लेके, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया, सेवन एन स्क्वायर माइनस सिक्सटी फाइव एन प्लस सेवेंटी टू इज इक्वल टू जीरो. जब हमने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई एन की, एट और नाइन. तो एन की वैल्यू, एक तो एन की वैल्यू आ गई नाइन बाई सेवन और एक आ गई एट. तो एन कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन,
तो इसे हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो n इज इक्वल टू 8, दिस इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सिक्स कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू फिल सम वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस। एज्यूमिंग दैट ईच कैंडिडेट इज फिट फॉर ईच पोस्ट, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट केस है टू पोस्ट कैन बी फिल्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। तो फर्स्ट पोस्ट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, सेकेंड पोस्ट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज बिकॉज देर आर 6 कैंडिडेट्स। तो 6 × 5 दैट इज इक्वल टू 30। और सेकेंड पार्ट है 3 पोस्ट कैन बी फिल्ड, तो फर्स्ट पोस्ट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, सेकेंड इन 5 वेज एंड थर्ड इन 3 वेज। तो ये रिजल्ट आ गया 120। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स में से हमको 3 डिजिट्स चूज करनी है और अरेंज करनी है, सो इट विल बी 9P3। तो 9P3 इज 9 × 8 × 7 दैट इज इक्वल टू 504। सिमिलरली इधर लिखा हुआ है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एंड थर्ड इन 9 वेज, सो इज इट इक्वल टू 729। अच्छा जो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें हमने तो लॉजिक लगाया, तो ये अब हमारा परम्यूटेशन भी लग गया। दैट मीन्स आउट ऑफ 6 वी हैव टू टेक 2 पर्सन्स एंड अरेंज देम, राइट, इट इज 6P2। सिमिलरली वी हैव टू टेक 3 पर्सन्स फ्रॉम 6 एंड अरेंज देम, तो इट इज 6 × 5 × 4। तो यहां पे हमारा लॉजिक वर्क करता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 6 टैप्स इफ नो टैप रिमेन अनयूज्ड। तो 6 वुमेन्स हैं और 6 वाटर टैप्स हैं, तो कैसे यूज करेंगे? 6 इन 6 वेज, 6P6 वेज, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 720। ये हमें आता है। सो वी आर हैविंग 6 वुमेन ओवर हेयर एंड वी आर हैविंग 6 टैप्स ओवर हेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर 6 टैप्स। सो दैट मीन्स इन 6 वुमेन्स को इन टैप्स पे लेट अस से अरेंज करना है, अगर हम अरेंजमेंट देखें, राइट, so it is 6P6, that is 6 factorial, so they will be using 1 tap each। कितने तरीके से कर सकते हैं 6 factorial, okay। similar is the second part, 7 candidates are contesting an election and how many ways can their names be listed on the ballot paper। तो 7 candidates हैं, तो कैसे list करेंगे 7 को 7 places में बैलेट के पेपर के ऊपर उनको अरेंज करना है, तो इट इज 7P7, दैट इज 7 factorial, और ये होता है 5040। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, इन हाउ मेनी वेज यू कैन चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग दैट वन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो 8 लोगों में से आपको 2 पोजीशंस पे लोगों को चूज करना है एंड अरेंज करना है, तो इट इज 8P2, और 8P2 का मतलब 8 × 7, दैट इज इक्वल टू 56। सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम 12 persons, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजरर एज्यूमिंग दैट ईच ऑफ 12 persons कैन होल्ड एनी ऑफिस एंड नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 ऑफिस। तो इसका मतलब जो आपके पास 12 persons हैं, 12 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 लोग लेने और उनको कैसे भी अरेंज करना है, दैट मीन्स एनी वन कैन बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सो ऑन। सो दैट मीन्स इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने 12 में से 4 लोगों को चूज कर लिया और फिर 4 लोगों को अरेंज कर लिया, और इसका मीनिंग यही हुआ, इट इज इक्वल टू 12P4। एंड वॉट इज 12P4? इट इज 12 × 11 × 10 × 9। तो किसी को लगता है कि हमारा क्वेश्चन सिर्फ परम्यूटेशन से हो पाएगा, नहीं, कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व है, बट आपको मालूम नहीं चलता है कि हम इसके बैकग्राउंड में क्या क्या वर्क कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल थिंग्स यू आर यूजिंग बट यू डोंट नो वॉट यू आर यूजिंग, राइट। तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को खोल के बता दिया है यहाँ पे, और ये फॉर्मूला हमें याद हो जाता है बिकॉज ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है बुक में और इसे हम कई बार यूज़ करेंगे। तो या तो आप अपनी जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, या तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें या ऐसे इंटरप्रेट करें, रिजल्ट विल बी सेम।
क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ मैन हैज सिक्स फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स एट द डिनर. तो ही हैज सिक्स फ्रेंड्स, फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो फर्स्ट को वो इनवाइट कर सकता है, ही मे इनवाइट, ही मे नॉट इनवाइट. देयर आर टू वेज ऑफ इनवाइटिंग. सेकंड के लिए भी देयर आर टू वेज, आइदर मे इनवाइट और नॉट इनवाइट. तो फॉर सिक्स वी आर हैविंग हाउ मेनी वेज, 2 to the power 6, दैट इज इक्वल टू 64 वेज ऑफ इन्वाइटिंग द फ्रेंड. अब वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी फ्रेंड को इन्वाइट ना करे, कम से कम एक फ्रेंड तो इन्वाइट होना चाहिए. तो हमने वो पॉसिबिलिटी माइनस कर दी जिसमें कि वो किसी भी फ्रेंड को नहीं बुला रहा है. तो वी आर हैविंग 63 वेज फॉर द क्वेश्चन दैट इज गिवन. क्वेश्चन नंबर 9 सेज इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन टू 4 फिंगर्स विद एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर. तो इसे ऐसे देखें हम कि यहाँ पे 4 फिंगर्स हैं और 3 रिंग्स हैं, तो 3 रिंग्स को 4 फिंगर्स में अरेंज करना है. तो इन 4 प्लेसेस वी हैव टू अरेंज 3 रिंग्स. सो दैट इज 4P3, इट इज इक्वल टू 4 × 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 24. राइट, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर कैन गो टू एनी ऑफ दिस, फर्स्ट रिंग कैन गो टू एनी ऑफ दिस फिंगर्स, दैट इज फर्स्ट कैन बी पुट इन 4 वेज. अब अगर यहां पे फर्स्ट वाली रिंग आ गई तो सेकंड रिंग के लिए कितने तरीके बचे, दैट मींस इन विच फिंगर, आइदर इन दिस और दिस और दिस, 3 वेज. और थर्ड के लिए दिया रहा 2 वेज, तो 4 × 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 24. क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन द 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ 3 पर्टिकुलर बुक्स ऑलवेज स्टैंड टुगेदर. तो वी आर हैविंग 7 बुक्स ओवर हेयर, 7 में ये 3 पर्टिकुलर बुक्स हैं, हमें एक साथ रखना है. तो ये एग्जांपल है, से ये बुक्स जैसे इधर आ गई, ये पोजीशन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कहीं भी आ सकता है, दिखाने के लिए बता दिया कि ये उसका एक केस है. तो ये तीनों बुक्स एक साथ रहेंगी तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4, और ये तीनों एक साथ रहनी है तो इट इज 5th ऑब्जेक्ट. तो 5 ऑब्जेक्ट्स आर देयर. तो 5 तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गए, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे परम्यूट कर सकते हैं इन फैक्टोरियल 5 वेज. अब ये तीनों बुक्स हैं, ये सेम बुक्स नहीं है, दे आर टुगेदर बट दे आर नॉट सेम. तो ये अपने आप कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकती हैं. तो आंसर आ गया फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू 120 × 6, एंड दैट इज इक्वल टू 720. फिर वो कह रहा है 2 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑक्यूपाई दी एंड्स. तो इसका मतलब एंड्स पे जो बुक्स हैं वो तो हमें पता है कि ये बुक्स होंगी, तो ठीक है एंड वाली बुक को हटा दिया. वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी बुक्स नाउ, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 बुक्स हैं, ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से. अब जो ये फर्स्ट बुक है इट कैन गो टू द लास्ट प्लेस, एंड लास्ट वाली जो बुक है इट कैन कम टू द फर्स्ट प्लेस. दैट मीन्स ये दोनों अपने आप को इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, 2 वेज. तो आंसर इज फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 2, एंड दैट गिव्स यू 240. क्वेश्चन नंबर 11 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ 5PR इज इक्वल टू 2 × 6PR − 1. तो ठीक है परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमें लगाना है. तो 5PR मींस 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, सिमिलरली 2 × फैक्टोरियल 6 अपॉन 7 माइनस आर का फैक्टोरियल. अब ये नीचे यहाँ पे है 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, से रिड्यूस करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में. तो ये हम लिख सकते हैं 7 − R × 6 − R × 5 − R का फैक्टोरियल. अब हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल कर दिया टर्म्स को, तो हमारे पास क्या बच गया, क्वाड्रेटिक बन गया जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. तो वी आर हैविंग द क्वाड्रेटिक एज R² − 13R + 30 = 0. इसके हमने फैक्टर्स किए तो हमारे पास तो फैक्टर्स आ गए R − 10 और R − 3, दैट मीन्स R का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 10. अच्छा R का वैल्यू 10 नहीं हो सकता क्योंकि ये R तो 5 से कम होगा, इक्वल होगा, तो इसे हमने डिस्कार्ड कर दिया, तो R का वैल्यू आ गया 3. सेकंड पार्ट देख लिया, 11PR = 12PR − 1. सो फैक्टोरियल 11 upon 11 − R factorial = 12 factorial upon 13 − R का फैक्टोरियल. फिर 13 − R को 11 − R के फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो 13 − R × 12 − R × 11 − R का फैक्टोरियल, अगेन कैंसिलिंग द सेम टर्म्स.
फिर हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि हमारे पास तो जो इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक, दैट इज आर स्क्वायर माइनस 25 आर प्लस 144 इज इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज किया, दो फैक्टर आ गए आर माइनस 6 और आर माइनस 9, दैट इज आर का वैल्यू या तो 9 होगा या आर का वैल्यू 16 होगा। अच्छा, आर का वैल्यू 16 नहीं हो सकता, आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस टर्म, तो आर इज इक्वल टू 16 को डिस्कार्ड किया, आर इज इक्वल टू 9, दिस इज द आंसर। इसके पार्ट थ्री पे आ जाते हैं, 15 PR-1 अपॉन 16 PR-1 इज इक्वल टू 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया इधर, फैक्टोरियल 15/14 - R का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 16/17 - R का फैक्टोरियल, राइट? ओके, सो अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई शायद, इसे हम सही कर लेते हैं। फैक्टोरियल 15/, ये आ जाएगा 16 - R का फैक्टोरियल, तो इसे सही करते हैं, ये थोड़ा सा इधर ये गड़बड़ हो गया, इसे कैंसिल करते हैं, विल डू इट ओवर हेयर। तो ये आ गया फैक्टोरियल 15/16 - R का फैक्टोरियल इंटू 17 - R का फैक्टोरियल अपॉन 16 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। थोड़ा सा टर्म्स को चेंज करते हैं तो ये आ गया 15 का फैक्टोरियल अपॉन 16 - R इंटू 16 - R - 1, तो ये आ जाएगा नीचे 17 - R का फैक्टोरियल इंटू 16 - R इंटू 17 - R फैक्टोरियल अपॉन 16 × 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। जो कुछ कॉमन टर्म्स होती है कैंसिल करते हैं, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल गया, 17 - R के फैक्टोरियल से 17 - R का फैक्टोरियल गया, और अभी से हम सॉल्व करें 4 से 4 गया, तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बचता है हमारे पास 12 × 16 - R इज इक्वल टू, ये आ रहा है क्या, 0। कमिंग टू पार्ट थ्री, 15 PR-1 इज टू 16 PR-1 इज इक्वल टू 3:4। तो 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 - R फैक्टोरियल अपॉन 16 PR-1, दैट मीन्स 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 - R का फैक्टोरियल, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 16 फैक्टोरियल तो इधर आएगा और 17 - R का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में चले जाएगा, इज इक्वल टू 3:4। 17 - R फैक्टोरियल को चेंज कर लिया, 17 - R इंटू 16 - R का फैक्टोरियल, और 16 का जो फैक्टोरियल था इट कैन बी रिटन एज 16 × 15 का फैक्टोरियल। कॉमन टर्म्स को हमने कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 17 - R इज इक्वल टू 12, देयरफॉर R इज इक्वल टू 5, दिस इज द आंसर।